नमस्कार फेस टू फेस को स्वागत करछि मु रश्मिता दास। आज हम सहित अछंती पद्मपुर रा बीजेपी प्रार्थी प्रदीप पुरोहित। प्रदीप बाबू फेस टू फेस को स्वागत करछि। नमस्कार रश्मिता। प्रथम प्रश्न 2014 रा फल रिपीट हेबो कि? देखंतु मोर तो विश्वास अछि एवं पद्मपुर वासी को ऊपर भरोसा अछि। 2014 रे मते पद्मपुर वासी आशीर्वाद देथिले मु निर्वाचित होई कि जीति कि जाईथिले एवं मोर आशा भरसा विश्वास अछि जे पुणी थरे पद्मपुरवासी मते आशीर्वाद देबे एवं 2014 रो फलाफल रिपीट हेबाकू जाउछि। प्रदीप बाबू निर्वाचन पूर्वरु चासी आंदोलन एहा केते प्रभावित करिवो भाबुचंदी? कारण चासी संगठन स्पष्ट भाबरे कहिचंदी से माने आंदोलन रो निष्पत्ति नैचंदी, आंदोलन रो ओहरिबे नाही, उभय राज्य और केन्द्र सरकार को विश्वास को नै नाहंती। देखंतु निश्चित रूपे चासी मानकर जो दाबी अछि से दाबी यथार्थ दाबी। प्रधानमंत्री फसल बीमा पाए प्रीमियम चासी जमा कला, क्रॉप कटिंग रिपोर्ट है एवं क्रॉप कटिंग रिपोर्ट आधार रे जो ग्राम पंचायत जिते परसेंट चाष क्षति है से हिसाब रे ग्राम पंचायत मैंने तो फसल बीमार टंका पाइबा कथा एवं आज पर्यंत मिलल ना लंबा समय धरिकी कृषक संगठन आंदोलन चली। कृषक संगठन आंदोलन सह जोड़ी अच्छी ए समस्या को लेकिन दिल्ली केन्द्रमंत्री पाखे आलोचना करी, ओडिशा सरकार मंत्री अतनु सब्यसाची एवं सचिव आलोचना करी एवं ए दाबी यथार्थ दाबी। द्वितीय कथा थी जेतेबेले इम्पोर्ट सब्सिडी मरुड़ी पड़ा 2021 ओडिशा सरकार टंकाटे मरुड़ी इम्पोर्ट सब्सिडी देना चाषी भितर असंतोष अच्छी। मरुड़ी पड़ी पश्चिम ओडिशा रे मरुड़ीर सहायता कहीं देवे ना ए दाबी मध्य यथार्थ एवं चासी दाबी करुछि। सोहेलारे घोषणा कले 100 टंका बोनस देवे चासी को गोटे क्विंटाल धान बिक्री हेले आज पर्यंत देले नाही। पद्मपुर रे जलसेचन व्यवस्था 22 वर्ष भितर सरकार कला नाही, तेणुकर निश्चित रूपे चासींकर जो प्रसंग अछि चासींकर जो दाबी अछि जो आंदोलन अछि एहा निश्चित रूपे ए उपनिर्वाचन को प्रभावित करिवो। प्रदीप बाबू आपण बीजेपी कृषक मोर्चार सभापति मध्य अछंति, जदि केवल राज्य सरकारंकर भूल अछि तबे आपण चासी को बुझे पारु नाहंती काहे के ओरिबा पे? देखंतु चासींकर दाबी तो यथार्थता, चासी कहूछि अकाउंट रे पैसा पड़िले आमे ओहरिबु। मु मध्य 2017 मसीहा रे जेतेबेले नेशनल इंश्योरेंस कंपनी सह ओडिशा सरकार एग्रीमेंट करथिला एवं से समय भी नाटकबाजी होइथिला, इंश्योरेंस कंपनी चासी को टंका दौ नथिला। मु पद्मपुर उपजिला ऑफिस सामना रे मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी, जिला प्रशासन को चिट्ठी लिखी थी एवं 3 दिन धरिकी आमरण अनशन रे बसी थी, गोटे ग्लास भी पानी पी नथिली से दिन एवं सरकार बाध्य होकर ओडिशा सरकार कंपनी 1700 कोटी टंका 2017 केवल बरगढ़ जिला को देले एवं से सरकार भूमिका थिला। एठी मध्य ओडिशा सरकार जो भूमिका नेबा कथा चासी कोर हक रे ओडिशा सरकार रहिबा कथा, चासी कि भली प्रधानमंत्री फसल बीमा टंका पाइबा कथा ओडिशार चासी से दिगरे काम करिबा कथा, ओडिशा सरकार से भूमिका निभाइला नै जेउथि पई प्रधानमंत्री फसल बीमा टंका पाइबा पई विलंब होउछि। किंतु प्रदीप बाबू चासी तो केन्द्र सरकार को ऊपर मध्य विश्वास रखु नाहंती, असुविधा पूर्ण रहउछि कोटि केवल राज्य सरकार रो भूल रहिछि? देखंतु 100% होउछि राज्य सरकार रो भूल, केन्द्र रे किसी भूमिका ना। ओडिशा सरकार 3 इंश्योरेंस कंपनी सह ओडिशा सरकार एग्रीमेंट करिसंती गत आपणकर अगस्त 24 तारीख दिन ओडिशा सरकार को समवाय विभाग सचिव सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी चिट्ठी लिखिले ए 3 कंपनी को कहिले अगस्त 31 सुधा प्रधानमंत्री फसल बीमा टंका चासी को दियो, जदि न देबो ताहेले ओडिशा सरकार तुम उपरे जरिमाना करिवो, आवश्यक पड़े ब्लैकलिस्टेड करने पर प्रस्ताव देव। किंतु अगस्त आप हिसाब करूँ अगस्त 24 चिट्ठी देखा ओडिशा सरकार आज पर्यंत कंपनी पैसा ठीक ढंग से देलानी, ओडिशा सरकार किसी भूमिका नेला ना, एथिरे ओडिशा सरकार प्रमुख भूमिका अच्छी। ओके तबे चासी जो दाबी रही न्याय दाबी रही। प्रदीप बाबू आप 14 तारीख रे नॉमिनेशन फाइल करिया को बाहरी थिले किंतु आप से दिन कले ना 17 तारीख रे कले, कारण कौन? देख तो 14 तारीख दिन पखापाखि 15,000 कार्यकर्ता मुझे जाइली, कितु जिते बेले
राजबुढ़ा संघ कृषक संगठन चाषी मैंने नोमिनेसन पेपर दाखल करने को जीवाबेले सामना को आसिले जोड़ा हाथ करके मना कले कहले जे आमर प्रधानमंत्री फसल बीमा टंका पाइन ओडिशा सरकार इनपुट सब्सिडी देना 100 टंकार बोनस ओडिशा सरकार घोषणा कला देला ना विभिन्न प्रसंग में आम आंदोलन करुचु आपड़ नामांकन पत्र दाखल करतुनि मुझे अनुरोध को रक्षा कली चाषी मानक सम्मान देवाई चाषी दाबी प्रति सम्मान जनवाई से दिन मुझे नामांकन पत्र दाखल कली ना एवं गत काली एवं कृषक संगठन बोले कही जदि अन्य माने किए करेंगे आप नामांकन पत्र दाखल करेंगे जितेबले अन्य माने बीजेडी कांग्रेस नामांकन पत्र दाखल कला कृषक संगठन प्रमुख व्यक्ति विशेष मत डाकवा आसी अन्य माने तो नामांकन पत्र दाखल कले नामांकन पत्र दाखल करूँ प्रदीप बाबू चाषी को समर्थन करके नामांकन पत्र 14 तारीख में दाखल कले भय रही से दाखल कर शेष दिन कले पी देखो तो मु तो चाषी अच्छी चाषी समस्या सह अच्छी चाषी आंदोलन सह अच्छी आज नुह मुझे हेली कि बोल कि नुह मु तो 1986-87 मसीह जो समय गंधमार्दन सुरक्षा आंदोलन सामिल होती से आंदोलन में थी से दिन अंचल जनसमस्या सह जोड़ी अच्छी मुमती बेखातिर करी चाषी प्रति मुषी को सम्मान देली मुझ चाहिए नामांकन पत्र दाखल करें कि कहीं करी मुझे चाषी अच्छी चाषी समस्या सह अच्छी चाषी जो कथा कहते से दाबी यथार्थ दाबी से कौन सी भय ना मुझे चाषी प्रति सम्मान जन कि दाबी प्रति दृढ़ समर्थन देखिए नामांकन पत्र दाखल कली ना कि चाषी मैंने कही जी प्रथम नामांकन पत्र दाखल करें जानवे से आम विरोध में अच्छा से कौट ना कौटी आप लगला कि नहीं शेष दिन ही नामांकन पत्र दाखल करने उचित ना सेमती किसी लग ना जदि चाषी मैंने कही एवं तो विजु जनता दल प्रथम नामांकन पत्र दाखल कला तापर तो कांग्रेस कला अन्य माने कले एवं चाषी संगठन निष्पत्ति देवे कौन भूमिका से माने निभेबे ओके प्रदीप बाबू आप कहले चाषी मानते अच्छा चाषी आप लड़ुंट सब बड़े किंतु कहवा केन्दुपत्र 18% GST एटा कौन ठीक देखो GST जो लागू होती दुईटा कथा एथिरे अच्छी गोटे कथा तो होची जदि GST साधारण लोकों ऊपर बोझ होची केन्दुपत्र तोलाली श्रमिकों ऊपर जदि बोझ होची ताहेले ओडिशा सरकार जे कि आपणकर GST कमिटी रे जोने सदस्य अर्थमंत्री रहंती एवं केन्द्र सरकार एथिरे भूमिका नहीं GST कमिटी जो कमिटी अच्छी से कमिटी रे राज्य सरकार प्रस्ताव दे पारिबे एवं से प्रस्ताव हिसाब से निर्णय हेबो आज पर्यंत मते आपण कहंतु राज्य सरकार केन्दुपत्र उपरे GST प्रत्याहार करने प्रस्ताव दे कि से कमिटी आज पर्यंत देना एवं द्वितीय कथा हूँ जे GST जो 18% नि तुलाली कौन सी प्रभाव पड़ूना किंवा केन्दुपत्र श्रमिकों ऊपर प्रभाव पड़ूना जो संस्था मैंने जो व्यवसायी मैंने केन्दुपत्र किणुं से मैंने GST 18% दौरान से आपड़ जदि देखिए किए कह ना GST लगला केन्दुपत्र दाम कमीगला केन्दुपत्र दाम आगु जिते ताठ अधिक दर में केन्दुपत्र बिकुंट दाम कमी एवं से जे जो संस्था जो बीड़ी निर्माणकारी संस्था जो मैंने केन्दुपत्र किणिक सरकार ठू ने GST तो से दे समर्थन कर GST केन्दुपत्र लगे ठीक अच्छी ना मोर समर्थन किसी ना मु कहि राज्य सरकार जदि हृदबोध कर GST लगवा कथ नुह तो राज्य सरकार प्रस्ताव दिंतु आंतरिकता सह कहीं 18% GST मैंने आप 9% GST आसीगला ओडिशा सरकार पहुँची भागतार कोट ना कौटी तार इंपैक्ट डेफिनेटली जो कर्मचारी पत्र तोलाली निश्चित भाव पड़ो आपने किसी प्रेसर पकेबे कि राज्य सरकार देखो तो ओडिशा केन्दुपत्र कर्मचारी संघ तरफ आंदोलन होता ओडिशार अर्थमंत्री को भेटिकी कमिटी आसी अर्थमंत्री प्रतिश्रुति देते जे आसंता बैठक में केन्द्र सरकार जो GST कमिटी बैठक हम ओडिशा सरकार प्रस्ताव देव केन्दुपत्र 18% जो GST लगे प्रत्याहार करने कि ओडिशा सरकार कहीं प्रस्ताव देना यार उत्तर किए देव यार उत्तर मो पाखे ना विजु जनता दल पाखे अच्छी ओडिशा सरकार पाखे अच्छी गोटे पटे आप समर्थन करछन्ती गोटे पटे आप कहते राज्य सरकार या को प्रत्याहार करूँ करोटा आम लोक कौटा को ग्रहण करेंगे ना मोर समर्थन किसी ना मोर समर्थन किसी ना मुझे समर्थन करूनी कि विरोध करूना बर्तमान जदि कह प्रदीप बाबू निर्वाचन पूर्व
पद्मपुर जिला दाबी एहाको आपण केमती देखुचोंदे? नाही, पद्मपुर जिला दाबी तो निर्वाचन पूर्वरु टिके अधिक जोर से हला, किंतु ता पूर्वरु एटा 40 वर्षर तलर दाबी। 40 वर्ष तलु पद्मपुर सब डिविजन गोटे स्वतंत्र जिला हेबो ए कथा दाबी होय आसी होतला। लोके आंदोलन करथले 40 वर्ष तले एठी, किंतु दुर्भाग्यर विषय बिजु बाबू जेते बेले 1993 रे जिला गठन कले से समय 13 रु आपनकर 30 जिला हला, किंतु 1973-74 मसीहारे दास कमिशन गोटे रिपोर्ट देथिले ओडिशा सरकार से कमिटी को बसैथिले कोठी नुआ जिला गठन हेबा पाई। से कमिटी पद्मपुर सब डिविजन रे को गोटे स्वतंत्र जिलार मान्यता देबा पाई तार रिपोर्ट ओडिशा सरकार को देथिले, किंतु दुर्भाग्यर विषय स्वर्गत बिजु पटनायक सरकार पद्मपुर सब डिविजन को जिला कला नाही एवं ए आंदोलन ए दाबी यथार्थ दाबी एवं निर्वाचन पर ये दाबी हो नहीं। 40 वर्ष तलु ए दाबी पद्मपुर सब डिविजन रो लोके करुछंती, किंतु एतक निर्वाचन रे एहा मध्ये एक मुख्य प्रसंग रही छि लोकंकर। हां, एटा तो मुख्य प्रसंग हेबो। 2018 मसीहा रे ओडिसा रे मुख्यमंत्री को सो आलोचना हेतिला, मु विधायक थिली, क्रियानुष्ठान कमिटी जाइथिले एवं ओडिशार मुख्यमंत्री से दिन पद्मपुरवासी को प्रतिश्रुति देथिले जे पद्मपुर सब डिविजन को स्वतंत्र जिल्लार मान्यता देवा पई से पदक्षेप नेबे। ओके, एतर को प्रदीप बाबू देखिया को मिली छि निर्वाचन संपूर्ण भावे प्रसंग भित्तिक रही छि, चासी आंदोलन कथा कुवंतु, पद्मपुर जिला दाबी कथा कुवंतु, बा पाइकमाळर एनएससी घोषणा करया कथा नै कि कुवंतु, ए सबु केत्ते प्रभावित करिवो निर्वाचन को? देखो, तो विजु जनता दल लोक मैंने तो मिथ्या प्रतिश्रुति दे चली, जमती विजेपुर उपनिर्वाचन रे विजेपुरवासी को जेभरी ठकिकी चली गले सब मंत्री एवं एवं विजेपुरवासी फेसबुक रे आप देखिए से विजेपुरवासी कहते देख पद्मपुर लोके आम को ठकिकी चली गले, पद्मपुर लोक को भी ठकवापे मंत्री मैंने से डेरा डाली हुशियार हो बोली से सतर्क कले एवं निश्चित रूपे आपणकर पाइकमाल एनएससी मोर तो घर पाइकमाल रे मो घर जन्ममाटी पाइकमाल रे ए पाइकमाल गोटे एनएससी हेबा कथा भी विधानसभा रे कथा भी उठी थिला एवं विजेपुर जेहेतु उपनिर्वाचन थिला विजेपुर को एनएससी करि देले एबे पद्मपुर रे उपनिर्वाचन अछि पाइकमाल को एनएससी सरकार करि दियंतु उपनिर्वाचन हेले तो काम करुछि सरकार एठि भी करि दियंतु एनएससी पाइकमाल को सबु निर्वाचन अपेक्षा पद्मपुर रे वर्तमान प्रसंग भित्तिक रही लोके विभिन्न दाबी नहीं कि आसी एवं दाबी को कही कि कहते जे प्रसंग भित्तिक निर्वाचन करा जाउछ एथरक तो यह प्रभावित करिवो कि नहीं निर्वाचन रे? हाँ, निश्चित रूपे समस्त प्रसंग प्रभावित करिवो, चासी रो प्रसंग हो, केन्दुपत्र श्रमिक मानकर प्रसंग हो, पद्मपुर सब डिविजन को स्वतंत्र जिलार मान्यता हो किंबा आपणकर जलसेचन प्रसंग, चाषीर प्रसंग, प्रधानमंत्री फसल बीमा, ओडिशा सरकार इनपुट सब्सिडी प्रसंग, हॉस्पिटल रे डॉक्टर नाहंती से डॉक्टर आणिके एठी को आसंतु लोके जाणी सारिले एवं प्रसंग भित्तिक निर्वाचन हेबो एठी। ओके, प्रसंग भित्तिक निर्वाचन हेबो जदि कहिबा प्रदीप बाबू बीजेडी पाखरे अनुकंपा वोट रहिजे ता सहित वर्षा सिंह बरिया जी की बिंजाल संप्रदाय रु बिलोंग करुचंती एवं नुआपड़ार जो सहकारी कलेक्टर थिले से वर्तमान बीजेडी रे मिसी चंती आउ तांको पाखरे जदि कहिबा कुलता संप्रदाय रो वोट रहिची ए सबु जदि देखा जीवो अनुकंपा सहित बिंजाल संप्रदाय कुलता संप्रदाय सबु मिसिले 30% वोट रहुची भाबुचंती कैलकुलेशन केमती देखुचंती कैलकुलेशन को? नहीं, देखो तो आपनो जो कैलकुलेशन कले लोके तो विचार करिवे आपन खाली जो बड़कर ना कहिले बीजेडी रे मिसिले एवं समाज रो ना बीजेडी वाले तो एते चिंतित व्यथित जे से माने विभिन्न लोकन को मिसाई बारे पैसा दे कि से माने मिसाई बारे व्यस्त अछंती मते लागुने ए समस्त प्रभाव निर्वाचन रे पड़िबो जेहेतु इशू बेस इलेक्शन होउछि विभिन्न प्रसंग नै कि निर्वाचन हेबो लोके बे ओडिशा सरकार को पचारिबे 22 वर्ष भितरे काहेकि जलसेचन हेला नाही हॉस्पिटल रे डॉक्टर काहेकि आसिले नाही स्कूल रे शिक्षक काहेकि नाहंती ए प्रसंग लोके पचारिबे एवं तार उत्तर ओडिशा सरकार को बिजु जनता दल को देबा को पड़िबो 100 टंका बोनस मुख्यमंत्री काहेकि चासिंग को देले नाही सेति पई बाकी जो जे मिसिला के जोगदरा एटा कोनोसी मूल्य रहिबो नाही ए उपनिर्वाचन रे।
तो भावुंत कि लोक एथर बीजेपी को पूरा समर्थन करेंगे देखो तो मोर तो विश्वास अच्छी बाकी तो निष्पत्ति लोके ने पद्मपुरवासी प्रति पूर्ण विश्वास अच्छी आशा करुच्छी निश्चित रूपे पद्मपुरवासी ए प्रसंग लोके चाहूंट प्रसंग पद्मपुर प्रसंग ओडिशा सरकार विधानसभा उठू बोली मत लगुच से योग्यता लोके मत सारी लोके आशीर्वाद दे सारी से चाहते प्रदीप पुरोहित कल पद्मपुर विधायक हिसाब से जीतिकी गले जिते प्रसंग जिते समीक्षा से चाषीर हूँ केन्दुपत्र श्रमिकर हूँ हस्पिटाल कथा हूँ पद्मपुर सब डिजन रिला मान्यता पाइक माल एनएससी प्रसंग हूँ ए समस्त प्रसंग ओडिशा विधानसभा गुंजरित हो मत लगुच लोके भारतीय जनता पार्टी को एवं प्रदीप पुरोहित को विश्वास एवं भरोसा ने मत आशीर्वाद देवे निर्वाचित करेंगे गला निर्वाचन रे जदि देखिबा तबे आपनकर मात्र 5000 मार्जिन रे अपन हारि छंती तो एथरो को केते आशा करछंती केते मार्जिन रे अपन जितिबे बोली देखन तो मु तो कोनोसी कैलकुलेशन करे नै किंतु मु जेते बेले गा मान को बुलु छी लोक को सह कथा होची मोर हृदबोध होची जे पाखा पाखी 60% रो अधिक वोटर मते समर्थन करछंती 70% वोटर गा गा रे समर्थन अछि ओ वोट रो व्यवधान मते लागु छी निश्चित रूपे बढ़िबो ओके आपण जेहेतु निज को चासी नेता कहते आप सब चासी सहित रही पद्मपुर रे मरुड़ी होची एक प्रमुख समस्या आपण या कौन योजना कर देखो ये गंधमार्दन पहाड़ अच्छी अनेक नदी नाला बही जाऊँगी पानीर अभाव नहीं राज्य सरकार जो ठीक ढंग से 22 वर्ष भितर जलसेचन व्यवस्था करें तो सब दाबी करूँ जे जलसेचन व्यवस्था हेले पद्मपुर सब डिविजन मरुड़ी रु रक्षा पाइ किंतु 22 वर्ष भितर ओडिशा सरकार जलसेचन व्यवस्था कले ना अनेक जगार चेक डैम तैयारी कले सरकार 50 लक्ष 60 लक्ष टकर किंतु पानी बुंदे ना विजु जनता दल ठिकादार मैंने पैसा भाग बांटी कर खाईदे आम दाबी करूँ आम चाहेबू जदि आम सरकार कल आस पद्मपुर सब डिविजन रे जेते नदी नाला बही जाउची से समस्त को उपयोग करा जीवो से पानी को उपयोग करा जीवो एवं पद्मपुर सब डिविजन रे जलसेचन रो व्यवस्था करा जीवो ओके अमर शेष प्रश्न किछिटा आपन पचारे जाउची धामनगर रे जो निर्वाचन टी करा जायतिला सेतेरे जदि कहिबा बीजेपी रो प्रचार और रणनीति बेस फोकस थिला एठारे कोन रणनीति रखाइछि देखो तो एठी विषय समान रणनीति अछि भारतीय जनता पार्टी जो प्रक्रिया रे निर्वाचन लड़े पंचायत प्रमुख बूथ कमिटी मंडल कमिटी एवं से आधार निर्वाचित निर्वाचन लड़ा जाए एवं धामनगर जो स्ट्रेटेजी दिया भारतीय जनता पार्टी समान स्ट्रेटेजी रे बीजेपी कौन सारी स्ट्रेटेजी भिन्न कैर तार गोटे स्ट्रेटेजी चली निर्वाचन में से समान स्ट्रेटेजी रे भारतीय जनता पार्टी लड़ब जेहेतु धामनगर में भारतीय जनता पार्टी प्रार्थी जीति गले भारतीय जनता पार्टी पद्मपुर कार्यकर्ता मानक भितर बहुत उत्साह अच्छी से मानकर भितर कॉन्फिडेंट आसीगलानी आम निर्वाचन में जितबु एवं लोक जो मैंने भावुले उपनिर्वाचन हेले सरकारी दल जीति जाए पद्मपुर भोटर मानक भितर भी मनोबल बढ़ी जाइए जे सरकारी दल हार भी पारे एवं पद्मपुर आम हरईकी देखू एक लोक कहते पद्मपुर तेज तीन दल भितर जोरदार लड़ई हम आप कहते देखो लड़ई तो तीन दल भितर हेबाक जाऊना आप देखिए विजु जनता दल भारतीय जनता पार्टी भितर लड़ई हेबो एवं विजु जनता दल भर्सेस पब्लिक पद्मपुर भोटर हेबो बीजेडी बीजेपी भितर भी लड़ई हेबनी बीजेडी ओडिशा सरकार बनाम पद्मपुरवासी पद्मपुर भोटर ओके मोर शेष प्रश्न मु प्रथम प्रश्न रे आपन को पचारी थी 2014 फल रिपीट हेबो कि एवं शेष प्रश्न रे पचार छी धामनगर रो जो निर्वाचन फल ताहा प्रभाव पकेबो कि पद्मपुर रे निश्चित रूप धामनगर उपनिर्वाचन फल पद्मपुर से दिन जो दिन रिजल्ट बाहर से दिन ठू प्रभाव पकई सारे कहीं कार्यकर्ता आम द्विगुणी उत्साहित हो गले जो भोटर मानकर मनरे सन्देह था उपनिर्वाचन में जिते शक्ति सामर्थ्य लगे सरकारी दल को हर हेबना से भावना साधारण लोकं भोटर को दूर है निश्चित रूप धामनगर उपनिर्वाचन प्रभाव पद्मपुर पड़ एवं लोके भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देवे विजयी कराइबे धन्यवाद प्रदीप बाबू आम सहित आलोचना करने निर्वाचन फलाफल आसवा पर लोके लोकंर कौन इच्छा अच्छी ता संपूर्ण भाव सामना को आसीज तेज सेपर्यंत आपण मैंने प्रचार रुहतु धन्यवाद आम सहित आलोचना करने।